जब मैं छोटा था तो मुझे ध्यान है कि मेरे दादाजी यानी मेरे ग्रैंडफादर रोज़ सुबह उठ के गर्म पानी में एक चम्मच हल्दी डाल के उसे मिलाकर पीते थे मुझे भी कहते थे करने के लिए ऑल दो आई नेवर यूज़ टू डू इट सिंपली बिकॉज मुझे टेस्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता था लेकिन जब बड़े होने के साथ हेल्थ सीक्रेट्स पता चले तब समझ आया कि ये गर्म पानी और हल्दी का जादू क्या होता है न्यूट्रिशनिस्ट की अगर हम बात कंसिडर करें सो so, अ ग्लास ऑफ वार्म वाटर विथ टर्मरिक एलिड इट अगर रोज़ सुबह दो आप ये कंज्यूम करते हो तो इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं सबसे पहला हेल्थ बेनिफिट इज दैट इट कीप्स योर स्किन ग्लोइंग कई लोगों का आज कंसर्न uh, होता है कि विला स्किन एज वो एजिंग हमें दिख जाएगी क्या बहुत एविडेंटली विलट शो आप दिस रेमेडी ऑफ वार्म वाटर एंड टर्मरिक एंटोएट विल हेल्प यू एड्रेस दिस प्रॉब्लम आपकी स्किन को हेल्दी रखता है ग्लोइंग रखता है इसी के साथ साथ टर्मरिक हम सभी को पता है कि एक बहुत बड़ी एक मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इतनी सारी हैं टर्मरिक में किसी को चोट लग जाती है या ब्लीडिंग होती है तो घर में सबसे पहले हम टर्मरिक अप्लाई करते हैं एक्स एज एन एंटीसेप्टिक एज वेल प्लस हमारी इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग रखता है कई लोग जिनकी ये डेली हैबिट में है वार्म वाटर एंड टर्मरिक कंज्यूम करना स्टडी ये दिखाती है कि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉग है इवन एट द एज ऑफ एंड 80 कि उनको कभी कोई मेडिकेशन पे जाना ही नहीं पड़ता कई सारी प्रॉब्लम्स को वो ऐसे ही एड्रेस कर देते हैं कई सारे इश्यूज़ से वो बच जाते हैं एल्जाइमर्स की प्रॉब्लम को ये बहुत एल्जाइमर्स का जो रेट है उसको बहुत इजीली रिड्यूस कर सकता है बॉडी इन्फ्लेमेशन से आपको बचा सकता है जो हम नोटिस करते हैं कि हमारी बॉडी कभी कभी इन्फ्लेमेट हो जाती है उससे भी ये गर्म पानी और हल्दी आपको बचा सकता है यहाँ तक कि सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम जो है हार्ट इश्यूज की उन सभी से भी ये आपको बहुत बेहतरीन तरीके से बचा के रख सकता है इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए ये सबसे बेहतरीन रेमेडी है दैट इज़ वॉर्म वाटर एंड टर्मरिक एंड टू इट कई हेल्थ एक्सपर्ट्स ये भी बोलते हैं दैट इट हेल्प्स टू यू नो हेल्प्स विथ योर ब्लड ऑल्सो जनरली जब हमारी एज बढ़ने लगती है या हमारी एपटाइट सही नहीं होती उस वजह से हमारा ब्लड जो है इट ग्रोज थिक सो वार्म वाटर एंड टर्मरिक हेल्प्स टू कीप आवर ब्लड थिन द डेंसिटी ऑफ आवर ब्लड थिन ताकि ब्लड थिक नहीं हो और हमें एन नंबर ऑफ इश्यूज़ उसकी वजह से ना हो पाए